राम राम जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज घर है दोनों बहन भाई, देखिए इसकी भी छुट्टी है और कल कर रही है अपने हॉलीडे की तैयारी, क्योंकि कल ही खेल के आएगी होली अपने स्कूल में। और भाई ये छोटी सी फेयरवेल पार्टी करेंगे स्टूडेंट और टीचर, और इसने देखी अपनी सारी टीचर के लिए, क्योंकि सिक्स क्लास का इसका कल का लास्ट दिन है। तो अपने टीचर को, सारी टीचरों को देने के लिए इसने एक कार्ड बनाए। ये देखिए, कल ये 11 बजे एक कार्ड बना के तब सोई थी अपनी सारी मैम के लिए। गिफ्ट बना रहा है मैंने मेरी बहन के लिए, बहुत क्यूट लग रहा है। और ये देखिए, सुंदर सुंदर इसने कार्ड बनाए अपनी मैम को, बाय बोलेगी ये, क्योंकि कल सिक्स क्लास की मैम फिर मिलेगी नहीं इसको, और फिर चली जाएगी अभी सेवन्थ में। तो ये देखिए, सारे इसने अपने हाथों से अपनी मैम को देने के लिए कार्ड बनाए हैं, रंग बिरंगे, और भी बहुत सुंदर सुंदर कार्ड बनाए, और लगी हुई थी कल 11 बजे तक रात को। कि मम्मी अब मैम को बोलूँगी, सिक्स क्लास वाली सारी मैम को अब बाय बोलेंगे, और सेवन्थ क्लास में इसको न्यू टीचर मिलेगी। तो भाई अपनी मैम को ये बहुत प्यार करती है, सारी मैम को ही, और सारी मैम इसको बहुत प्यार करती है। आकांक्षा आकांक्षा, ये तीन लड़कियां हैं जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आती हैं, तो ये मैडम की ये तीनों बहुत प्यारी बेटियां हैं, और सारी मैडम इनको बहुत प्यार करती हैं। और भाई आप बस उन टीचरों के साथ, इसका लास्ट डे है कल, तो कल सारी टीचर और स्टूडेंट ये करेंगे छोटी सी फेयरवेल पार्टी अपनी, करेंगे इंजॉय, और मैम के लिए कार्ड बना लिए है इसने। तो कल कह रही हूँ मम्मी कलर भी लेके जाऊंगी। तो कल सिक्स क्लास का इसका है लास्ट डे, और खूब करेगी कल तो गुड्डू एंजॉय, होली खेल के आएगी। तो आज ही चाव चल रहा है, क्योंकि पेपर तो कल इसका कंप्यूटर का है, वो इसको सारा लर्न है, इतना ज़्यादा सिलेबस इसका कुछ आ नहीं रहा कंप्यूटर का, तो वो इसको सारा याद है। तो बस अब तो ये तो अपनी छुट्टियाँ इंजॉय करने पे है गुड अंशुमन की तरह, और अंशुमन को तो भाई अब 12-13 दिन हो गए, ये तो एंजॉय कर ही कर रहा है, क्योंकि इसकी 1 तारीख से क्लासेस शुरू होगी, इससे पहले अंशु कर रहा है अपने। ये मैडम दोबारा कभी नहीं मिलेगी फिर? तो स्कूल में तो रहेंगी, पर क्लास में कोई आएगी, सेवन्थ क्लास में अलग टीचर मिलेंगी इसको, हमारी तो सेम ही है। और आज इनके लिए बनाए, दोनों बहन भाइयों के लिए टोस्टर बनाए, और अब जा रहे हैं ऊपर छत पे, क्योंकि बिड़कले बने थे कम, तो थोड़े से बिड़कले बनाएंगे, कार्ड वार्ड सब बन गए, नाश्ता हो गया है, तो अब चलते हैं छत पे। धूप तो हो रही है बहुत तेज, जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर भाई अब ये भी बनाने जरूरी है, क्योंकि उस दिन थोड़े बने थे, और कुछ अंशुमन ने जब कल बारिश आई तो ऐसे ही आते ऐसे ही कर दिए, वो थोड़े बहुत टूट भी गए हैं बिड़कले, तो और बनाने पड़ेंगे। तो अब जा रहे हैं ऊपर, देखिए आ गए हैं भाई, अब गोबर में से बदबू तो आ रही है, पर अब बनाने ये तो बिड़कले तो बनाने ही है। और ये देखिए इतने तो बना लिए, एक फीट दूर, और ये तो सूख भी गए हैं, मैं तो एक फीट दूर खड़ा हो गया उसको तो इतनी बदबू आ रही है, अंशुमन को तो वहाँ जाके खड़ा हो गया, मैं ऐसे मिला रही हूँ जब ऐसे करा कि मेरे को उल्टी आ रही है, दूर जाके खड़ा हो गया। और हम देख ले, दो दो तीन तीन दिन का भी पास थे जाओ ना, इतना इतना कसम से अंशु, अब तो बेटा हमने भी बदबू आने लग गई, अब तो 19-20 साल होगा हमने शादी से पहले की बात, अब तो मेरे को भी बदबू आ रही है, बस तेरे को ना, तो मेरे को भी बदबू आ रही है। आ मैं आपको पास करूंगा, तेरी इतना मोटा भी आ गई है बेचारी, अपने करके कार्ड वार्ड समेट रही थी वो, और मैं आती ऊपर तो वो अपनी संभाल क्योंकि वो चीज करती है अपनी चीज़ों की बहुत ज़्यादा केयर। और आज तो देखिए भाई, नया अंशुमन ने तो बड़ी नाक में दम कर रखा है, इसकी छुट्टियाँ क्या पड़ी, तो बहुत शरारती हो गया सच में, खुल जाने चाहिए स्कूल, बच्चे तो सच में स्कूल में ही चाहिए। ये देखिए बहुत बेकार हो गया, कपड़ा मांग रहा हूँ, नहीं नहीं मिल जाएगा, कब परसों हो? देखो मम्मी को ऊपर, और गुड्डू मम्मी को ऊपर बना रही है, और अभी पापा भी टप्पा देख के
और देखो इतने तो बना रहे, इतने तैयार हो गए, और अब आ गया हमारा सिलेंडर, दिखाता हूँ आपको। देखो सिलेंडर वाले भैया खड़े, स्मेल नहीं आ रही, जाओ ना, मैं तो एक फीट दूर खड़ा हूँ। मैं तो आप ही सूंघ लो डियो। आज मम्मी ने ये बनाया है, और ये बीच में ये ढाल सी है, ये जो भी है, और ये सूरज है, और ये उपले हैं, और ये क्या है, पान ना, ये जो ये सूरज, अरे ये जीभ, और ये भी हैं, और ये जो ये कुछ ये कैसी लग रही है, कुकड़ी, और वो सूख गए, और अभी मम्मी बना रही है चौथ का उपला। नहीं आ रहा मन क्या, बस बोलता है सीरीज़ से एम्बुलेंस, और जोर जाओ, अरे ढूंढवा दो गुलाल। तो गाइस आज ढूंढने गुलाल, हाँ पापा ढूंढवा ही नहीं रहे, कह रहे मैंने छुपा के रख रखा ये देखो ढूंढवा दो। तो देखिए आज आई है गुड्डू की फ्रेंड हमारे घर पे खेलने, और दोनों फ्रेंडे लगी हुई है आपस में क्वेश्चन आंसर याद कर रही है, और क्योंकि कल इनका कंप्यूटर का पेपर है, और भाई कल ये फन डे एंजॉय करेगी। कल क्या मनाओगे क्लास में? फन डे मनाएंगे भाई ये, और घर की ड्रेसें पहन के जाएंगी, और लेके जाएंगी स्पेशल लंच। तो आज से ही तैयारी करने लगी हुई है, और मैम के लिए बना रही है दोनों कार्ड, तो अपने लगी हुई है अपनी कार्रवाई करने, बस इनको करने देते हैं, खेलने देते हैं इनको, और मैं बनाती हूँ अब खाना, खाने बनाने की तैयारी करती हूँ भाई, क्या बनाएंगे क्या नहीं, आज पूछते हैं बच्चों से, क्योंकि गुड्डू के लिए तो कल सुबह बनाना है स्पेशल लंच, तो अभी कुछ ऐसा ही बनाऊंगी जो अभी खा ले ख़त्म हो जाए, क्योंकि सुबह तो गुड्डू के लिए स्पेशल लंच बनेगा, तो भाई सब भी वही खाएंगे, सुबह का नाश्ता तो वही हो जाएगा। तो अब रसोई में आ गई हूँ, सोचते हैं अब क्या बनाएंगे रात के खाने के लिए। तो अंशुमन की तो डिमांड सबसे पहले रहती है, क्योंकि वही ज़्यादा नखरे लगाता है खाने में, तो उससे पूछते हैं भाई क्या खाएगा। और गुड्डू हो गई रेडी स्कूल जाने के लिए, और देखिए स्कूल की ड्रेस नहीं पहन रखी, घर की ड्रेस पहन के जा रही है, और अपनी जो न्यू वैली लेके आई थी वो पहन के जा रही है, और भाई आज तो एंजॉय करेगी गुड्डू। आज तो पेपर तो है सिर्फ 2 घंटे का, और फिर गुड्डू और गुड्डू की फ्रेंड्स और मैम सब फन डे एंजॉय करेगी, डांस करेंगी, और भाई लंच की मैम ने कहा है कि स्पेशल लंच सभी बच्चों को लेके जाना है, और थोड़ा ज़्यादा लेके जाना है, क्योंकि आज सारे बच्चे ये शेयर कर करके खाएंगे एक दूसरे का लंच, और थोड़ा थोड़ा मैडम को भी खाने को मिल जाएगा न्यू टेस्टी हर बच्चे का। तो नाश्ता भी गुड्डू पास्ता के ही कर रही है, और मैंने दिया है गुड्डू को पास्ता आज स्पेशल लंच में, तो नाश्ता भी तैयार कर दिया, और गुड्डू ने अपने कार्ड वार्ड सब कुछ संभाल के रख लिए है, और आज गुड्डू जाएगी मासी के घर भी तो घूमे करने, तो इसीलिए अपने अभी तैयार हो गई है, क्योंकि फिर कह रही मम्मी आके तो मेरे को तैयार होने का टाइम नहीं लगेगा, तो आज घूमे करके आएगी गुड्डू, और शायद क्या पता अंशु भी चला जाए, अभी अंशुमन का तो पक्का नहीं है, क्या पता अंशु चला जाए, और भाई ये तो आज मासी के घर जाएगी, रुक के आएगी 2-3 दिन, तो अब गुड्डू के पेपर भी ख़त्म, आज स्कूल में भी इंजॉय करेगी, और अब 2-3 दिन गुड्डू घूम के भी आएगी, तो गुड्डू की भी अब बल्ले 15 दिन तो, क्योंकि इसकी क्लास भी शायद 1 तारीख से ही शुरू होएगी, और क्योंकि रिजल्ट का मैम से कल हुई थी बात परसों, तो मैम ने अभी नहीं कहा था कि मैम शायद इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं देंगे, तो क्या पता इसका भी 1 तारीख से ही क्लास शुरू हो, रिजल्ट शायद 30-31 को ही आएगा इसका भी, तो बस अब गुड्डू को नाश्ता कर लेते हैं, और मैंने लगा रखी है मशीन, मैं धो लेती हूँ कपड़े, और गुड्डू आ गए स्कूल से जल्दी, इसके पापा ले आए हैं, और देखो कितनी खुश है, ये जा रही है मौसी के घर अब, और 2-3 दिन रुक के आएगी, जाऊँगा, देखिए अपना बैग अपना पैक कर लिया है,
और तैयार है और पापा को कह रही है पापा जल्दी कपड़े पहनो नहीं तो हमारी ट्रेन निकल जाएगी, और इतना चाव चढ़ रहा है कि घर में आई नहीं उससे पहले कह रही है पापा हम लेट हो जाएंगे आप जल्दी चलो आप जल्दी चलो। और आज उसके पेपर खत्म भाई, टेंशन फ्री और अपने पेपर देख के और अच्छे से अपना करके और अब छुट्टियां एंजॉय करने जा रही है मौसी के घर। और मौसी का भी भाई तीन चार मौसी इसके से ज्यादा इसकी मौसी को चाव हो रहा है, मौसी का भी तीन चार बार फोन आ चुका है ए कब आ रही दस दस। चल ये देखिए बैग की ढोलक बना दी हमारे भाई ने, तो देखिए हमें जरा हमारे घर में ड्रामे बाज बैग को ढोलक ना नहीं इससे कुछ नहीं कहूंगा। दस रुपए के पास वाली चीज खा ले चुस्की हाँ। नहीं चुस्की खाओ चुस्की ड्रेसिंग पे रख के 20 रुपए नहीं इसको बाय करते हैं इसके चढ़ चाव मौसी घर नहीं रखे रखे अभी ना और बिड़क ले भी जैया मैंने बनाए थे तो इनको पलट दूंगी, देखिए एक साइड से तो सूख गए हैं इनको पलट दूंगी ताकि ये दूसरी साइड से भी सूख जाए, और वो तो बिल्कुल सूख ही गए। और कुकड़ी भी हमारी ये देखिए सूख गई, तो सारे एक तरफ से तो ये सूख ही गए, दूसरी तरफ से ये बिल्कुल गिले क्योंकि ये मैंने बनाए थे ना पन्नी पे, तो पन्नी पे दूसरी साइड से अगर ज़मीन पे होते ना तो ये ज़मीन पे तो सूख भी जाते धरती में, तो हाँ ये अब ये फर्श के ऊपर है टाइलों पे तो अब ये पानी तो इनका सूखा नहीं है। और ये देखिए गुड्डू ने मैंने दोनों मम्मी बेटी ने मिलके बनाए थे, और गुड्डू तो गई आज मौसी के घर पेपर देते ही इतना चाव चढ़ रहा था उसके, तो घर में घुसी नहीं उससे पहले मम्मी मेरा बैग पैक कर दो मेरे को मौसी के घर जाना है, मेरा बैग पैक कर दो मेरे को मौसी के घर जाना है, उसके तो चाव चढ़ रहा था भाई। और देखिए अब सारे पलटेंगे ये और दो तीन महीने में सूख ही जाएंगे ये भी, और फिर इनको रख देंगे साइड में। और भाई जो होली पूजने का हमारा था सामान वो गए तैयार, गोबर दोबारा लाना पड़ गया पहला वाला तो पड़ जाएगा थोड़ा, ये बनाए हैं और इनमें से भी रखेंगे वो करेंगे तो इनमें से भी कुछ एक तो टूटेंगे सारे तो ये बचेंगे नहीं, अंदर बाहर क्योंकि कल भी सुबह बादल हो रहे थे बारिश का तो मौसम हो गया था शाम को मौसम का नहीं पता, तो ये टूटेंगे इनको अंदर बाहर करके रखेंगे तो इनमें कुछ एक तो टूटेंगे, इसलिए मैंने थोड़े से ज़्यादा भी बना लिए तो टूट भी जाए तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नई बासोड़े के बाद हमारे है ना सब ज़्यादातर तो सब एक ही बासोड़ा धोखते हैं, और हमारे यहाँ दो बासोड़े होते हैं एक तो भोली माता का और एक बुद्ध माता का, तो हमको दो बासोड़े पूजने पड़ते हैं, और एक बासोड़ा तो हमारा भोली माता का जो बासोड़ा हमारा रहता है वो तो ऐसा रहता है कि उस दिन हम पूरे दिन गैस नहीं जलाते और दोनों टाइम ठंडा ही खाना बनाते हैं, यानी संडे को मेरे को सोमवार का सुबह का भी और रात का भी दोनों टाइम का खाना बना के रखना पड़ेगा, और मंगलवार को हम फिर ताजी खाना बनाएंगे। खाना खा लिया है और खाना तो आज उस खाया नहीं खाया, आज पेट तो भरा नहीं क्योंकि आज अंशु गुड्डू तो घर पे है नहीं और खाने का मन ही नहीं कर रहा था उनके बिना, और घर एकदम हो रहा है सुना सुना क्योंकि रहते थे आपको भी पता आपने ब्लॉग में मेरे देखा है कि चिल्लम चिल्ली एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा दोनों बहन भाई करते रहते थे, और आज घर हो रहा है सुना सुना दोनों बहन भाई चले गए अपनी मासी के घर, नहीं माने अंशुमन को तो मैं मना करती बेटा मत जा तू रहने दे, पर नहीं माने दोनों भाई, मासी का भी चाव चढ़ रहा था उनको बुलाने का और भाई बेटा बेटी से भी नहीं रुका जा रहा था, तो दोनों बहन भाई चले गए मौसी घर और घर हो गए बिल्कुल खाली खाली, बिल्कुल मन नहीं लग रहा। और करती हूँ इस व्लॉग का एंड, आशा करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना कमेंट करना शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण।